आप सभी लोगों को सनबीम कॉन्वेंट स्कूल रैक्वायर्डी मऊ की तरफ से बहुत बहुत छुट्टियों की बधाई। आप सभी लोग घर पर रहकर बहुत इन्जॉय किए और बहुत बच्चे नानी के यहाँ भी गए, लेकिन अब स्कूल 20 तारीख को खुलने वाला है। आप लोगों से कहा जा रहा है और स्कूल सभी लोगों के घर पर भी जा जाकर सबका होमवर्क भी चेक किया जा रहा है, तो कृपया करके सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करें। और आज हम नर्सरी एंड एलकेजी के लिए अल्फ़ाबेट टच पढ़ाने जा रहे हैं, और सभी नर्सरी और एलकेजी के बच्चे कृपया ध्यान दें ब्लैक बोर्ड पर और घर पर रहकर इसका नोट्स बनाएं और कम से कम 2 से 3 पेज तक सभी लोग लिख कर भी लेकर आएँ। चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए बनाते कैसे हैं? सभी नर्सरी वाले बच्चे ध्यान देंगे, ए बनाते कैसे हैं? तो ए एक लाइन इधर से खींचेंगे, एक लाइन ऊपर से नीचे, फिर एक लाइन इस तरह, क्या बन गया? ए बन गया। फिर उसके बाद क्या आता है? बी। तो बी के लिए एक लाइन खींचे, फिर एक कर्व पी के जैसे बनाएंगे, फिर एक और कर्व लेंगे, क्या बन गया? बी बन गया। बी के बाद सी, क्या आएगा बच्चों? सी आएगा। क्या आएगा? सी। अब सी के बाद क्या? डी। क्या आता है? डी आता है। बच्चों ध्यान देना, सी के बाद डी। तो डी के लिए एक लाइन खींचेंगे वन की तरह, फिर सीधे लाकर दूसरे लाइन में एक ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ देंगे, क्या बन गया? डी बन गया। डी के बाद क्या आता है? ई। ई के लिए एक लाइन ऊपर से खींचे, फिर एक लाइन ऊपर से ऐसे, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, क्या हो गया? ई हो गया। ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। क्या आएगा? एफ। ई के बाद एफ। एफ के लिए भी जैसे ई बनाते हैं वैसे एफ भी बनाते हैं, बस नीचे का एक लाइन नहीं खींचते हैं। फिर एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद ए के बाद क्या आया? बी आया। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी। जी के लिए सी की तरह बनाएंगे, फिर एक लाइन ऊपर ऐसे खींचेंगे, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर एक लाइन ऐसे, क्या हो गया? जी हो गया। सिंपल। जी के बाद एच, जी के बाद एच। तो एच के लिए एक लाइन ऊपर से खींचे, फिर एक और लाइन ऐसे खींचे, और फिर एक लाइन बीच में से ऐसे खींच देंगे, क्या हो गया? एच हो गया। एच के बाद आई, आई के लिए सिंपल एक लाइन ऊपर से खींच दिए, एक लाइन नीचे से खींच दिए, और बीच वाले को ऐसे मिला दिए, क्या हो गया? आई। आई के बाद जे, आई के बाद जे। जे के लिए ऊपर से एक लाइन खींचे, फिर एक ऐसे ला का लाइन सीधे कर्व कर देंगे, क्या हो गया? जे हो गया। जे के बाद के, के, के के लिए एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, क्या हो गया? के हो गया। के बाद एल, एल के लिए एक ऊपर से लाइन, एक नीचे से ऐसे हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे, तो क्या हो गया? एल हो गया। एल के बाद एम, एम के लिए भी सिंपल एक ऊपर से ऐसे कर्व लाइन खींचेंगे, फिर एक और ऐसे कर्व लाइन खींचेंगे, एक और ऐसे लाइन, और एक और लाइन, क्या हो गया? एम। एम के लिए एन, एम के बाद क्या आता है? एन आता है। एन के लिए क्या करेंगे? एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। एन, एन के बाद ओ, सीधे ओ को क्या करते हैं? सर्कल बना देते हैं, छोटा सा सर्कल, ओ हो गया। ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, पी के लिए सिंपल एक लाइन खींचेंगे पी, और एक कर्व बना देंगे, तो क्या हो गया? पी। पी के बाद क्या आता है? क्यू। क्यू के लिए एक सिंपल ओ की तरह बनाएंगे, ओ बनाएंगे ओ की तरह, और फिर एक बीच में से ऐसे क्यू। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के लिए एक ऊपर से लाइन खींचेंगे, और फिर पी की तरह बनाएंगे ऐसे कर्व, और फिर लाइन एक खींच देंगे यहाँ से, हो गया आर। आर के बाद एस, एस की तरह एक छोटा सा सी इधर से बनाएंगे और एक छोटा सा सी इधर से बनाएंगे, क्या बन गया? एस बन गया। एस के बाद टी, टी के लिए ऊपर से एक लाइन खींचेंगे और एक बीच में से लाइन खींच देंगे, बस टी बन गया। टी के बाद यू, यू के लिए क्या करेंगे? बस ऐसे ऊपर से लेकर आएंगे सीधे, थोड़ा सा कर्व करके फिर ऊपर लेकर चले जाएंगे, क्या बन गया? यू। यू के बाद भी, भी के लिए क्या करेंगे? एक लाइन ऐसे लाएंगे, एक लाइन ऐसे लाएंगे, भी बन गए। भी के बाद डब्लू, भी के बाद डब्लू, डब्लू के लिए भी एकदम भी की तरह ही बनाएंगे, बस भी का जो ऐसे बन जाएगा, क्या हो गया? डब्लू। डब्लू के बाद एक्स, क्या आएगा? एक्स। तो एक्स, एक्स के लिए सीधे एकदम क्रॉस, सिंपल कुछ नहीं करना है, एक्स के लिए क्रॉस, क्या हो गया? एक्स।
एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक्स, एक्स के बाद क्या आता है वाई, एक्स के बाद वाई, तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन इधर से ला देंगे। जैसे हम एक्स बनाते थे तो इधर का एक लाइन क्या कर दिए, बस मिटा दिए, क्या कर दिए मिटा दिए, तो क्या हो गया वाई, वाई के बाद जेड, वाई के बाद जेड, वाई के बाद जेड। अब हम एक बार पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट को, ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर भी, फिर डब्लू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर लास्ट में जेड। ए से लेके जेड तक क्या हो गया अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है बच्चों, आपको अल्फ़ाबेट समझ में, बस अब हम कितने पढ़े हैं, ए से लेके जेड तक पढ़ लिए। अब जेड तक पढ़ने के बाद ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, कैपिटल, देखो कैपिटल भूल गया, इसको कैपिटल ऊपर एक हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, कैपी, कैपिटल, कैपिटल अल्फ़ाबेट था। अब कैपिटल अल्फ़ाबेट ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों सभी बच्चे जो नर्सरी एलकेजी के हैं, सभी बच्चों से कहा जा रहा है कि कम से कम इसको कितने बार, 4 times आप लोग क्या करेंगे, अपने नोटबुक पर होमवर्क की, जो नोटबुक आप लोग की है, जो होमवर्क आप लोग को दिया गया है उसी पर कम से कम 4 times आप लोग लिख कर लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, सभी लोग लिख कर लेकर आएंगे ना। थैंक यू, आप लोगों का 20 तारीख को स्कूल में स्वागत है।